दोस्तों आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन पे कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं श्री टेक्निक्स। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोला कि एक एरोप्लेन है जो कि हमारा 5000 मीटर पे ऊपर अबव फ्लाई कर रहा है हमारा, ठीक है, वर्टिकली अबव द एरोप्लेन एट इंस्टेंट। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू एरोप्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट, कोई दो प्लेन है जिसके ऊपर ये वाला प्लेन उड़ रहा है और उसी दो प्लेन का सेम पॉइंट से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रखा है, ठीक है। तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन और उन दोनों एरोप्लेन के बीच का हमें वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। देखिए आपको बना के दिखाता हूँ, यदि आपको समझ नहीं आया तो। देखिए कोई इसने बोल रहा है कि एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 5000 मीटर पे, आप ऐसे बना लीजिए कोई भी ये इतनी दूरी पर फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ये हमारा 5000 मीटर हमारी हाइट दे रखी है और इसने बोला है कि वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, मतलब दो प्लेन है, एक यहाँ प्लेन होगी मान लीजिए, एक अनदर प्लेन ऊपर, ठीक है। और इन दोनों के बीच की हमें हाइट बतानी है एच ए वाली, और इन दोनों प्लेन का सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा, ठीक है। ये इतनी बात समझ आ गई। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो 60 डिग्री आपका बड़े वाला होगा, 45 डिग्री आपको पहले पार्ट में बता चुका हूँ कैसे, ठीक है। तो एंगल बड़ा हो जाएगा ना, 60 डिग्री है ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन ये वाला बताना है, तो ये 5000 माइनस एक्स हो, एच हो गया हमारा ये इतना वाला पार्ट, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, और ये इतना, ये टोटल हमारा 5000 मीटर है। इतनी बात समझ आ गई। और हमें बेस दे रखा, तो लेट हम कर लेते हैं एक्स, इतना हमारा ये क्वेश्चन बोल रखा है और हमें ये निकालना है। आपको सारा समझा दिया, एक बार आपका मॉडल बन गया ना, तो आप देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा एक ट्रेंगल है हमारा, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ इसको, ए बी सी डी। तो एक तो हमारा ट्रेंगल हो गया बी सी डी और एक ए सी डी, इन दोनों ट्रेंगल से हमारा इन दोनों से निकलेगी। पहले मैं छोटे वाला ट्रेंगल लेता हूँ बी सी डी 45 डिग्री, आपको मैं आपको करके जाता हूँ पूरा। 10 45 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका ये बनेगा 5000 माइनस h/x। ये आपको समझ आ गया ना, ये पूरा 5000 था, ये मैंने h माना क्योंकि इसकी निकाल ली थी, तो ये 5000 माइनस h हो गया ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। 45 डिग्री आपको पता 1 होता है, तो यहां से क्या पता लगा, x इजिकल टू 5000 माइनस h, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए या फिर ऐसे रहने दीजिए कुछ भी, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल बी सी डी से आया है। अब मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए सी डी, बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमारा ये पूरा यूज होएगा, तो पूरे में तो हमारी हाइट 5000 पूरी यूज होगी, तो 10 60 डिग्री, 60 है ना इसका पूरा, और परपेंडिकुलर हमारा 5000, बेस हमारा एक्स है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, हमें पता है 5000 का 5000 वैसे ही, और एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से वही 5000 माइनस h, ठीक है। आपको इतना आ गया आपका, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 × 5000 − √3h, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इजिकल टू 5000, ये आ गया है। इतना समझ आ गया आपको। हमारा देखते हैं हम क्या करना है हमें, तो एच वाली टर्म एक तरफ ली जाएगी, 5000 वाली एक तरफ, तो ये इधर ले जाएगा प्लस हो जाएगी, ये वाली इधर इक्वेशन आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो √3h इजिकल टू, मैं सीधा डायरेक्ट कर देता हूँ, 5000 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, और अंदर बचा √3 − 1। ये बात आपकी समझ आ गई ना, ये वाला टर्म इधर लेके आया हूँ, ये वाली टर्म इधर गई है। अब एच वैल्यू निकाल ली थी, √3 इधर ले आई, फिर इसका मतलब 5000 × √3 − 1 डिवाइडेड बाय √3। ये तो कैलकुलेटर पार्ट है, बस सब अपने आप करना होता है जैसे करते हैं आप, ठीक है। ये हो गया, तो अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 − 1/√3, ये हमारा आ गया इतना लास्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, देखिए हमारा ये आंसर आ गया। ये सारे मैंने एसएससी से क्वेश्चन लिए हैं, सारे सारे एडवांस लेवल के, आप देख सकते हैं जाके, ताकि हमें पता लगे फैमिली रोज के पैटर्न से एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक बार आपका मॉडल बन गया ना, तो आपका 80% या 70% क्वेश्चन तो वही हो जाता है, मतलब आपको फिर बताया कि कैसे निकालना है आपको, इतनी सारी तो आपको निकालना ही नहीं चाहिए। आपको वो पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है 45 डिग्री का पता 1 होता है, तो सारे याद आएगा डायरेक्ट, फिर आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है, फिर आपको बस कैलकुलेटरी पार्ट है, तो 15 सेकंड का क्वेश्चन हार्डली, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है उसका टॉप का एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, और द टॉप ऑफ द चिमनी ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, और उसी बिल्डिंग पे कोई चिमनी है, उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारा, एक्स डिग्री और हमारा 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली इन दोनों के, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली मतलब होता है लगा था, जो आपने पहले बात बोल रखी है, ये किसी को नहीं बताया था, और जो बाद में बात रखी है उन दोनों का एंगल है ये, ठीक है।
हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है, द हाइट ऑफ द चिमनी बतानी है हमें। देखिए इसको मॉडल बनाता हूँ कैसे बनेगा। ये मेरी कोई बिल्डिंग है पहले, ठीक है, इस बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर हमारी कोई चिमनी है, इतनी बात समझ आ गई आपको। इसमें क्या बोल रखा है, हमारी बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है ना एच मीटर, इसके पहले लिख देते हैं हम एच। इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक पॉइंट से है, ये मेरे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला और ये वाला पूरा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, पहले बोल रखा है कि हमारा बिल्डिंग वाला, तो बिल्डिंग वाला एक्स और उसका चिमनी वाला 45 डिग्री, ये वाला पूरा 45 डिग्री, इतना बन गया हमारा। तो अब हमें पता है हमें ये वाली हाइट निकालनी है, तो बिल्डिंग ऑफ हाइट, तो इसको मान लेता हूँ मैं वाई और इसको मान लेता हूँ बेस को जेड, ठीक है। मैंने अपने इंडिकेशन के लिए वैसे ही लिया है कि ताकि इजी हो जाए, ए बी सी डी ये इंडिकेट किया मुझे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एच है हमारे पास, तो हमारे पास कोई वैसे पैरामीटर तो है नहीं, तो हमारे कोई ना कोई हमारे ऑप्शन ऐसे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी में हमारे पैरामीटर में आंसर आएगा हमारा। देखते हैं कैसे करते हैं हम। पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ बी सी डी, तो बी सी डी में क्या हुआ हमारा टेन एक्स, ये वाला एंगल है ना एक्स, बी सी डी मैंने ट्रायंगल लिया है, परपेंडिकुलर हमारा एच यहाँ पर है और बेस जेड है, ठीक है, ये तो नाम आ रहा है आगे इक्वेशन। अब मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ ए सी डी, ए सी डी में क्या है मेरा 10 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा पूरा होगा तो वाई प्लस एच होगा यहाँ पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और बेस हमारा जेड ही है, ठीक है। तो 10 45 डिग्री बना होता है यहाँ, इक्वेशन क्या है जेड इज इक्वल टू वाई प्लस एच, ठीक है। अब देखिए तो जेड की इक्वेशन में यहाँ रख दीजिए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू इस फॉर्म में आएगी, यहाँ से रख सकते हैं ना जेड, पहली इक्वेशन जेड की वैल्यू आ चुकी है हमारे, तो टेन एक्स इज इक्वल टू एच बाय वाई प्लस एच, इसको मैंने यहाँ पर रखा है सिर्फ। अब देखिए एच वाली एक तरफ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि हमारा एच एक फॉर्म में आ सके, एक तरफ आ सके, वाई प्लस एच इधर आया और इधर बेस में ले आया, तो एच बाय टेन एक्स इतना आया, तो 1/10 थीटा कितना होता है हमारा कोट, तो एच कोट एक्स, ये बन गया हमारा। हमें देखिए वाई की वैल्यू निकालनी थी, हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है, ये मेरी हाइट ऑफ चिमनी है, बता चुका हूँ आपको, तो वाई निकालना है हमें, तो एच कोट एक्स, एच इधर लिखा है तो माइनस एच, ये हमारा आंसर है इस फॉर्म में। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन। देखिए ये भी एसएससी में आया क्वेश्चन, आपको फैमिलियर करना चाहता था इस मेथड से भी, तो आपको पता चला होगा कैसे हम इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है, ये वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसको इस टाइप को फैमिलियर करना चाहता था, पता है आप फैमिलियर करना चाहता था मैं कि कैसे आप करते हैं, पहले आप पढ़िए इसको, यदि आपका दिमाग ये बन पा रहा है तो ठीक है, वरना तो मैं बता ही रहा हूँ इसको। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कोई मैन है जो कि इसकी हाइट 6 फीट है, वो क्या करता है शेडो कास्ट करता है, उसकी हाइट शेडो बनती है किसी मतलब धूप के कारण 4 मीटर लॉन्ग की, उसी टाइम टाइम द फ्लैग पोल, कोई फ्लैग पोल है जिसकी शेडो बन रही है 50 मीटर लॉन्ग, तो हाइट ऑफ द फ्लैग बतानी है हमें, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन बताता हूँ पहले, चलो मैं मॉडल बनाता हूँ साथ साथ बताता हूँ उसको। ये मेरा मैन है कोई 6 फीट का, जो कि मेरा कास्ट कर रहा है 4 फीट शेडो, ऐसे ही करेगा ना, यहाँ पर कोई मान लो सन है तो गिर रही है जैसे 4 मीटर 4 फीट की शेडो बन रही है, ये मेरा यहाँ पर कोई एंगल बनेगा इस पॉइंट से, इवन थीटा मान लिया, तो क्या करते हैं इसी फ्लैग सोचते हैं कि यहाँ पर फ्लैग होगा, कोई इसी के ऊपर फ्लैग है या पीछे फ्लैग है, वो इस शेडो कास्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस मोड क्या है, आपको सेम स्टैंड पर बोल रहा है ना, तो उसका कंसेप्ट है यहाँ पर आपका सारा इस पे काम है, ये सेम टाइम पे। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हमें हाइट बतानी, ये मेरा पोल है, ये मैन था, मैन एंड पोल, ठीक है, इसकी हमें सेटअप होता है 50। आपको ये कंसेप्ट है बस, ये थीटा और ये थीटा सेम होगा, क्यों, उसने बोला सेम टाइम पे, मतलब सन होगा उस पर भी उतने एंगल पे होगा, उस पर भी उतने एंगल पे होगा ना सन, यही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो इस पे क्या लेंगे हम, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 6/4, तो टेन थीटा हमारे क्या क्या कट के 3/2 मैंने काटा था इसको। इस वाले ट्रायंगल से क्या होएगा, मेरा टेन थीटा इजिकल टू एच बाय 50 परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 में टेन थीटा दोनों बराबर है, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना, तो 3/2 इजिकल टू एच बाय 50, ठीक है। यहां से देखिए एच की वैल्यू आ गई हमारी 50 × 3/2, तो कितनी आ गई 75 फीट। बस ये कंसेप्ट था, मैं फाइनल करना चाहता था इस टाइप से भी। देखिए हमारा ऑप्शन आ गया सेकंड, कितना इजीली हम कर सकते हैं, हमारे सारे टाइप से फैमिली होते हैं ना, तो हमारे फटाफट क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, काफी बढ़िया और काफी अच्छा क्वेश्चन है,
काफी दो चैप्टर के कंसेप्ट इसमें मिक्स कर रखे हैं इसने। देखिए हम कैसे करेंगे इसको। इसे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई एंगल ऑफ एलिवेशन एरोप्लेन का इसमें ग्राउंड से 60 डिग्री पे है। उसमें क्या आपके आफ्टर 15 सेकंड फ्लाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकंड के बाद उसने कोई ट्रैवल किया है और वो 30 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ इतनी हाइट पे वो फ्लाई कर रही है 1500√3 फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। इसमें देखिए आपका आपको ट्रिग्नोमेट्री मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट और आपको स्पीड का कंसेप्ट इसमें मिक्स कर दिया है। तो देखिए यदि आप ये मॉडल बना पा रहे हैं ना क्या क्या करेंगे तो आपको फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा वरना आप करते रह जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे करेगा ये। तो ये प्लेन है मेरी ठीक है जो कि एक हाइट पे ट्रैवल कर रही है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते जाएंगे हमारा। इतने हाइट पे ट्रैवल कर रही है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कोई मान लेता हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है मेरा ऐसे पॉइंट पे ठीक है। ये 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पर ये मेरे को नहीं पता। तो उसने क्या किया है 15 सेकंड के बाद वो उसने कोई ट्रैवल किया डिस्टेंस ठीक है। ट्रैवल डिस्टेंस करने के बाद इस पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर भी एक कंसेप्ट है 30 डिग्री हो गया। ये वाला पॉइंट इधर मतलब सरका दीजिए क्योंकि एक तरफ चलेगा ना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाया मतलब दूर जाएगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। यहाँ पर खड़ा है जितनी टर्म वो थिंग हमारी दूर जाएगी उतना ही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा। ये बात याद रखना ठीक है इधर मत करना इसको। और ये हो गया हमारा केस 15 सेकंड के बाद ठीक है। तो हाइट तो एक 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 बात याद रखना यहाँ पर ये हाइट सेम रहेगी क्योंकि आपका सीधा आगे जा रहा है। तो हमें यहाँ का बेस नहीं पता मतलब ऐड कर लेता हूँ एक्स। अब देखिए आपको यहां से इसकी स्पीड पूछी है। आपको यदि माइंड में हिट नहीं हुआ ना तो आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। स्पीड पूछी है तो हमें क्या करना आपको वही बताना इससे पता लगेगा। आपके पास टाइम है आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ठीक है। आपके पास टाइम है स्पीड आपसे पूछ रही है तो आपके पास ये डिस्टेंस नहीं है सिर्फ। तो डिस्टेंस कहां से आएगा मतलब हमारे पास ये वाला बेस आ गया तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। ये कहां से आएगा देखिए आप पहले मैं ट्रायंगल को इंडिकेट कर देता हूँ बस आपको सारा बता दिया मैं क्या क्या हो रहा है इसमें। अब आपको बस क्वेश्चन करना है। पहले ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी ये वाला छोट ए बी सी। ए बी सी में क्या हमारा 60 डिग्री पहले यहाँ पर था ना तो टेन 60 डिग्री इजिकल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइट आपकी है 1500√3 मीटर और बेस आपका एक्स जो मैंने माना है ठीक है। तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3 तो 1500√3 बाय एक्स √3 से √3 कैंसिल हुआ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1500 मीटर इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ठीक है। इसको मैं या तो आप वाई मान लीजिए कुछ मान लीजिए इसका भी मान लेता हूँ कुछ वाई। अब मैं ट्रायंगल लूंगा ई बी डी ये वाला ट्रायंगल ई बी डी ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए आपका टेन 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री हो गया था आपकी परपेंडिकुलर व्यू सेम ही है हाइट आपको पता होना चाहिए सेम ही रहेगी। आपका बेस देखिए आपका बेस पूरा बनेगा एक्स प्लस वाई एक्स की वैल्यू 1500 मीटर है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1500 मीटर प्लस वाई। इसको लिखने के बाद देखिए 1030 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमें पता है 1/√3 ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब तो वैसे हमें कैलकुलेशन करनी है क्योंकि हमें वाई की वैल्यू ही हमें निकालनी थी क्योंकि डिस्टेंस हमारा आएगा उसके बाद तो सिर्फ हमें स्पीड सिर्फ आ ही जाएगी आसानी से। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इधर मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई किया तो 1500 प्लस वाई सेम √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 हो जाएगा तो 15 से मल्टीप्लाई करें तो 4500 हो गया ये देखिए डायरेक्ट। और वाई की वैल्यू आ गई मेरी 3000 मीटर ठीक है। ये हमारा आ गया ये हमारा डिस्टेंस आ गया यहाँ का वाई मेरा ये डिस्टेंस आ गया। तो अब स्पीड देखिए स्पीड मेरे को पता ही डिस्टेंस बाय टाइम होती है डिस्टेंस मेरा 3000 मीटर और 15 सेकंड हमारे पास टाइम था 15 सेकंड ट्रैवल किया था उसने तो 15 कितना आया ये 200 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सेकंड कितना इजीली हमने निकाल लिया। काफी अच्छे क्वेश्चन थे ये जो कि मैंने एसएससी से लिए हैं आपको ताकि फैमिलियर हो पाए कि कैसे हम क्वेश्चन आते हैं एसएससी के लेवल के ठीक है। तो मैंने ये सारे चार क्वेश्चन लिए थे मैं आपको ये नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इधर मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर से अब क्या हुआ इस पर कोई कॉल या कुछ नहीं हो सकती सिर्फ आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। काफी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन हमको नहीं मिलता तो आप क्या होगा आप इसमें आप मैसेज कर देना एडमिन एडमिन का क्या करके मैं ब्रॉडकास्ट बना दूंगा ताकि आपको वीडियो की लिंक भेज दिया करूंगा वहां पर मैं ठीक है। तो वीडियो की लिंक भेजने से आप डायरेक्ट वहां पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं सबसे पहले। तो आप यहां पर मुझे मैसेज कर देना एडमी प्लीज यहां पर कोई कॉल वगैरह इस नंबर पर कुछ मत करना क्योंकि ये मेरा सिर्फ मैंने व्हाट्सएप के लिए लिया है। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट कर जरूर बताइए को ये लेक्चर कैसे लगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ताकि आपको पता लगता रहेगा लेटेस्ट अपडेट क्या हो रहा है चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।